राजधानी दिल्ली को अगर हादसों का शहर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि दिल्ली में कब कहां पर सड़क धस जाए इसका कोई अंदाजा नहीं। दिल्ली में अक्सर सड़क धसने के मामले सामने आते ही रहते हैं जो हादसों का कारण बनते हुए भी दिखाई देते हैं। एक ऐसा ही हादसा रोहिणी में भी देखने को मिला जहाँ अचानक से एक सड़क धस गई जिसकी वजह से सड़क पर चलती हुई कार दुर्घटना का शिकार हो गई। दरअसल रोहिणी सेक्टर 5 में आम दिनों की तरह से लोगों की आवाजाही सुचारू रूप से चल रही थी। इसी बीच रोहिणी सेक्टर 5 स्थित राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के पास अचानक से सड़क धस गई। सड़क धसने की वजह से कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। इस दौरान सड़क से गुजरी एक कार इस गड्ढे में जा गिरी। हालांकि गनीमत की बात रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई और समय रहते ही सभी लोग कार से सुरक्षित बाहर आ गए। कार चालक ने बताया कि वो अपनी कार लेकर यहाँ से गुजर रहे थे, अचानक सड़क धस गई और कई फीट गहरा गड्ढा हो गया और इसमें उनकी कार जा गिरी, जिसके बाद सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों ने उनकी मदद की और कड़ी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया। ये गाड़ी का ये रोड पर गड्ढा हुआ हुआ है राजीव गांधी के पास कैंसर इंस्टीट्यूट सेक्टर 5 रोहिणी। इसमें गाड़ी मेरी गड्ढे के अंदर सड़क धस गई और चलते चलते ही रोड के अंदर चली गई है। बहुत बुरी हालत की हुई है केजरीवाल ने, रोडों की कोई काम नहीं हो रहा है, जगह जगह गड्ढे हैं, मेन रोडों पर जगह जगह गड्ढे गड्ढे हैं। अच्छा, किसी प्रकार की कोई चोट वगैरह तो नहीं है? गाड़ी डैमेज हुई है काफ़ी और फिर कुछ भाइयों ने आके मदद की और गाड़ी बाहर निकलवा दी। चलती चलती रोड पर गड्ढा हो गया, सड़क अंदर धस गई। कितना गहरा गड्ढा है ये गड्ढा? कम से कम 10 फुट गहरा है।